बेहतरीन टेक्निक और गुणवत्तापूर्ण सामग्री से बनाया जा रहा सुधाना पशु आहार की गुणवत्ता को लेकर कुछ किसानों के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायतें दर्ज कराई गई थी। आदर्श न्यूज चैनल के द्वारा इन शिकायतों की गांवों में पहुंचकर पड़ताल की गई तो हकीकत कुछ और ही नजर आई। भारतीय मानक ब्यूरो से गुणवत्ता का पुरस्कार प्राप्त सुधाना पशु आहार पशुपालकों की पहली पसंद बना हुआ है। जब हम गांवों में पहुंचकर पशुपालकों से मिले तो उन्होंने बताया कि हमारे पशुओं की सेहत सुधाना ही बना रहा है। बढ़ते हुए दूध उत्पादन से हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। किसानों के द्वारा गाय ही नहीं, भैंस ही नहीं, घोड़ों और पाड़ों को भी सुधाना पशु आहार खिलाया जा रहा है, जिससे शिकायतकर्ताओं की शिकायत झूठी और निराधार साबित हुई है। हमने पशुपालकों के बीच पहुंचकर हकीकत को जाना है। हमारी पड़ताल में सुधाना पशु आहार पशुओं के लिए नंबर वन साबित हुआ है। आदर्श न्यूज चैनल के द्वारा जमनी पड़ली, खामलिया नोनीखेड़ी, निपानिया खजूरिया, जहांगीरपुरा फूलमोगरा सहित अन्य गांवों में पहुंचकर सुधाना पशु आहार को लेकर पशु पालकों की मनसा को जाना है। यही नहीं, हमने पशु पालकों की समृद्धि भी देखी है, पशुओं की सेहत भी देखी है। सुधाना पशु आहार केंद्र पचामा के प्रबंधक से भी पशु पालकों के हित में इस मामले को लेकर चर्चा की है। हर कसौटी पर सुधाना पशु आहार गुणवत्ता पूर्ण पाया गया है। आइए सुनते हैं पशु पालकों ने सुधाना पशु आहार को लेकर क्या कहा। अब खिलाने में तो ऐसा बहुत कुछ है, मगर हम अधिकतर सुधाने खिलाते हैं। क्या फायदा हो रहा है सुधाना खिलाने? सुधाने से क्या, दूध अच्छी देती है मवेशी और स्वस्थ रहती है, और वो तो रख रखाव से भी रहता है, कोई अच्छा रखता है, कोई वो तो रखने के ऊपर भी रहता है, तो स्वस्थ रहती, मतलब दाने की कहे तो दाना से बहुत अच्छा रहता है सुधाना। और इसके अलावा दूसरे नहीं खिलाते कोई सा भी। कितने पशु हैं आपके पास? मेरे पास 10 पशु हैं। किस प्रकार से उनका पालन पोषण करते हैं? ये सुधाना सही चल रहा है, बाकी चली है, बाकी सुधाना जो दाना है बहुत अच्छा है, पिछले 10-12 साल से खिला रहा हूँ, बढ़िया है। और सबसे यही कहना चाहूँगा कि सुधाना का उपयोग करें, बहुत अच्छी चीज़ है। ये आप कौन सा आहार पशुओं को खिला रहे हैं? ये सुधाना खिलाते हैं। अच्छा आता है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना दूध उत्पादित हो रहा है, कितना क्या दूध? तो अपने बार सुधाना आप पशुओं को दे रहे हैं? दो टाइम देते हैं सुबह शाम। अच्छा, कुछ अफवाहें ऐसी चल रही थी कि सुधाना खराब आ रहा है? नहीं नहीं, कोई नहीं, बढ़िया है सुधाना तो। किसी प्रकार की कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। सुधाना खिलाने से प्रॉपर हमारा पशु हीट पे आता है, प्रॉपर जो डाइजेशन होता है वो ठीक ठाक होता है। अब कुछ अदर कंपनी वाले अफवाहें फैला रहे हैं कि सुधाना के अंदर यूरिया की मात्रा ज़्यादा है, जबकि मेरे पास आप देख सकते हो डेयरी फार्म में 100 पशु के करीब है, वो पर डे का 250 से 300 लीटर दूध है मेरे पास खुद का, और मैं फिर भी सुधाना चला रहा हूँ, और सुधाना खिलाने के साथ साथ सेल भी करता हूँ। इसका एक पॉइंट भी डाल रखा है दुकान मैंने फंदा पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं सुधाना खिलाता हूँ और इसको यूज़ करता हूँ। घोड़ा हुआ, पाड़ा हुआ, आप देख सकते हो मेरे पशुओं की चमक शाइनिंग देख सकते हो आप, जैसे इसको बोलते बुम बुल, ये मेरा भीम है, ये भी सुधाना नहीं खाता है। अब साथ में हेचिप के साथ साथ मैंने गिर, साहिवाल सभी नस्ल पर काम कर रखा है आप देख सकते हो, और सभी को ही सुधाना खिलाता हूँ मैं, क्योंकि इससे पशुओं का जो टाइम टेबल से हिट पे आना, एक ही बार में प्रेग्नेंट करना, कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि सुधाना खिलाने से पशु बार बार रिपीट होता है, तो ये उनकी गलत फहमी है। मेरे पास तो 5-7 साल से मैं डेयरी फार्म कर रहा हूँ, आज तक ये शिकायत नहीं आई कि मैंने किसी गाय को भगाया हो। जो गाय प्रेग्नेंट नहीं हुई उसको मैं खरीद के लाया हूँ, उसको मैंने यहाँ पे प्रेग्नेंट हुआ है, तो इसके बारे में जो गलत अफवाहें हैं वो तो बेकार हैं। आप जिस किसी को भी कोई कंफ्यूजन है इसको लेके, वो आप मेरे पास आ सकते हो, मैं उसको पूरा सॉल्व करके दूंगा, आपको बता के दूंगा। हे, मेरा पशु प्रॉपर जो गाय है मेरी 3 महीने में हिट पे आती है, वो जो मेरी भैंस है वो 4 से 5 महीने में हिट पे आती है और प्रेग्नेंट होती है, लेट में यूज़ करते हैं तो सुधाना ही यूज़ करते हैं। नहीं, इस पशु आहार जो है सुधाना है वो उच्च गुणवत्ता का ही रहता है, लेकिन जो पूर्व में जो अभी कुछ खबरें आई हैं न्यूज़ पर आई है तो वो सब निराधार हैं। हमने समिति में भी पता किया कि जिन नाम से वो यहाँ की शिकायत हुई है, उस नाम के ना तो हमारे कोई रजिस्टर्ड किसान हैं जो कि दुग्ध प्रदायक हैं, तो वो निराधार हैं। और हमारे यहाँ उच्च गुणवत्ता का पशु आहार बनता है, जिसकी प्रतिदिन लैब टेस्टिंग हमारे पशु आहार संयंत्र में की जाती है, और माह में 2 बार ये NDDB को टेस्टिंग के लिए भेजी जाती है, जिसमें पूरी तरह से पास है। और सुधाना पशु आहार विगत वर्ष से इस वर्ष उसकी सुधाना की जो है वृद्धि परिलक्षित हुई है, और इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, इसकी हमेशा डिमांड बनी हुई है। हम अपने संयंत्र क्षमता का 100% उपयोग कर रहे हैं।
सर देखिए, पिछले वर्ष हमने जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में है उसमें जो वर्ष भर का है उसमें हमने 47,000 लगभग 47,000 मेट्रिक टन विक्रय किया था, जो कि देश संयंत्र क्षमता है उस संयंत्र क्षमता का हम लगभग 104-105% तक का उपयोग कर रहे हैं। मतलब हमारी जो संयंत्र क्षमता है हम उसका पूर्ण उपयोग कर रहे हैं।